three, four. तो हम बनाने जा रहे हैं आज पोहा। तो इसके लिए हमने मूंगफली दाने को फ्राई कर लिया है और ये पोहा अभी तो सूखा हुआ है। और इसके लिए प्याज और मिर्ची काट ली है। ये फ्राई हो गए हैं दाने, लगभग फ्राई हो चुके हैं। तो गाइस तेल गर्म हो गया था, और हमने उसमें डाले प्याज और मिर्च। मैंने इसमें डाल दिया है एक टमाटर काट के। टमाटर भी थोड़ा गल जाएगा, उसके बाद डालेंगे पोहा यानी चुभगा। मैंने इसमें हल्दी डाली है आधी चम्मच, लाल मिर्च डाली है। मैंने इसमें एक बड़ा चम्मच नमक डाला है। अब इसको चलाएंगे। टमाटर पकने वाला है ना, ये देख सकते हैं आप लोग, टमाटर गल गया है इसमें। अब हम इसमें डालते हैं पोहा। मैंने इसमें धो के पोहे को मिला दिया है। इसको थोड़ी देर धीमी आंच पे चलाएंगे, उसके बाद गैस को तेज कर देंगे। ये मैंने डाल दिया इसमें धनिया और ये मूंगफली दाना जो मैंने स्टार्टिंग में फ्राई किया था। अब ये पोहा बन गया है। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं ये लजीज पोहा कीर्ति ने बना दिया और देखने में तो बहुत ही लजीज लग रहा है। और उम्मीद करते हैं कि ये खाने में भी बहुत ही अच्छा होगा। अच्छा बना है, बहुत ही अच्छा। ये तो बता रही अपने मियाँ मिट्ठू बन रही, अब हम खाए के फिर बताएंगे कैसा बना। देखने में अच्छा है तो उम्मीद है अच्छा ही बना होगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि देखने में ये पोहा आप लोगों को कैसा लग रहा है, यमी लग रहा है कि नहीं लग रहा है। अगर यमी लगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।